जैसे ये आपका पांचवा सवाल, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और एक्स से गुणांक से क्या कर देंगे, क्योंकि सिंगल लीनियर टर्म, प्लस फोर माइनस फोर कॉन्स्टेंट है, ई की घात तीन एक्स का कितना हुआ, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स होता है, ई की घात तीन एक्स का ई की घात तीन एक्स, और जो भी एक्स का गुणांक है क्लियर है। अभी हम प्रतिस्थापन से नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामान्य सवालों को। दसवां सवाल देखो, ये इसका पहले स्क्वायर खोलो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू आएगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वर्ग का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स माइनस टू वन का हो गया एक्स प्लस फिनिश। कुछ सवालों में दिमाग भी लगाना पड़ेगा, 13 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, यहाँ से कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर कितना हुआ एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन ले लो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन लिया कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, इससे ही कैंसिल। यानी आपको फैक्टराइजेशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, कभी भी किसी भी स्थिति में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है। ये बात अलग अगर है कक्षा 9 आपने कैसा पढ़ा है, पुराने पापा तो पीछा नहीं सकता, जिनने कक्षा 9 आराम से करा होगा ठीक है, तो यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। ये कितना आएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस, ये 20 का, बाकी तो खुद ही करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि जब प्रतिस्थापन में पहुंचेंगे तो आपको क्वेश्चन में डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन से करें या सामान्य विधि से करें। जो सवाल सामान्य विधि से हो जाएगा उसमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं, इसको कर लो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x इनटू 1 अपॉन cos x dx, 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 tan x और 1 बटे cos कितना हुआ sec x इनटू dx, इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 10 x सेकेंड, ये एक स्टेप मैंने कम कर दिया, इंटीग्रेशन 3 का होता 3 पहले आ गया, कितना हुआ अभी 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10 x, और 10 x सेकेंड का कितना होता है sec x, इसका मान था ये आई, नोट करें एग्जांपल करेंगे इसके और बाकी बचा कुछ है।